इलेक्ट्रोफोरेसिस पार्श्व पर क्वेश्चंस. क्वेश्चन वन, द डायग्राम शोज द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड एट पीएच 7. द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमीनो एसिड एट पीएच 7 आर शोन. सारे के सारे अमीनो एसिड्स के सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो चार्ज हैं, मीनिंग इस पीएच पे ये सारे अमीनो एसिड जो है वो ज्यूटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो हमें देखने के लिए कि इनका ओवरऑल चार्ज क्या है, इनके अंदर जितने चार्जेस हैं उनको सम करना होगा. कैसे? लुक एट ईच अमीनो एसिड वन बाय वन. ग्लाइसिन NH3 पॉजिटिव तो प्लस वन चार्ज हुआ, ठीक है. आगे जाओ मॉलिक्यूल में COO माइनस तो माइनस वन चार्ज हुआ, तो प्लस वन माइनस वन इक्वल जीरो. ग्लाइसिन का नेट चार्ज होगा जीरो, ठीक है. अब लाइसिन पे मूव करते हैं. लाइसिन में पहले आ गया NH3 पॉजिटिव तो प्लस वन, फिर आगे मूव करो ब्रैकेट के अंदर आ गया फिर NH3 पॉजिटिव तो प्लस वन, फिर उसके आगे गए तो COO माइनस तो हो गया माइनस वन. प्लस वन माइनस वन का नेट चार्ज हो गया प्लस वन, ठीक है. तीसरे पे आ जाओ ग्लूटामिक एसिड, स्टार्टिंग NH3 पॉजिटिव प्लस वन हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया COO माइनस तो माइनस वन हो गया, ब्रैकेट के बाहर हो गया COO माइनस तो माइनस वन हो गया. प्लस वन का नेट चार्ज हो गया माइनस वन. इस तरीके से हमें पता चल गया ग्लाइसिन का नेट चार्ज जीरो है, ग्लाइसिन का नेट चार्ज पॉजिटिव वन है, ग्लूटामिक एसिड का नेट चार्ज नेगेटिव वन है. अब इन्होंने पूछा आर एस और टी को आप लेबल करो कौन सा अमीनो एसिड है. आर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव किया, इसमें उसका नेट चार्ज होगा नेगेटिव, मेकिंग आर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है. एस अपनी जगह से मूव नहीं किया, इसका मतलब उसका नेट चार्ज जीरो है, एस हो गया ग्लाइसिन. और टी जो है वो क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव किया है तो उसका नेट चार्ज पॉजिटिव होगा, मेकिंग टी लाइसिन. इस तरीके से नेट चार्ज निकाल के आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्पॉट किस अमीनो एसिड से करस्पॉन्ड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन टू सेज अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट. तीन पॉइंट्स हैं. पॉइंट नंबर वन, डिफरेंट अमीनो एसिड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस. दूसरा पॉइंट है डिफरेंट अमीनो एसिड मूव एट डिफरेंट स्पीड्स. और तीसरा पॉइंट है सम अमीनो एसिड डू नॉट मूव एट ऑल. और एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्व. अब वन बाय वन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गौर से देखो. पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंट अमीनो एसिड मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एज दे हैव डिफरेंट ओवरऑल या नेट चार्जेस. They will move to the terminal with respect to the charges that they carry. ठीक है ना, इस वजह से अलग होता है. दूसरा पॉइंट क्या है, different amino acids move at different speeds. इसका जवाब क्या होगा, as they have different mass to charge ratios. ठीक है ना, याद रखना है mass to charge ratio ज्यादा हुआ amino acid slow move करेगा, it will travel a lesser distance. mass to charge ratio कम हुआ amino acid ज्यादा distance move करेगा, it will travel faster तो origin से ज्यादा दूर होगा. थर्ड पॉइंट जो इन्होंने पूछा है, सम अमीनो एसिड्स डू नॉट मूव एट ऑल. इसका रीजन क्या होता है, एज दे हैव अ नेट चार्ज ऑफ जीरो. हमने ऑलरेडी देख लिया था कि अगर सारे ग्रुप चार्ज हो और नंबर ऑफ ग्रुप्स बराबर हो, ठीक है, एसिडिक और एल्कलाइन, तो नेट चार्ज जीरो होता है, यानी प्लस वन माइनस वन में जीरो. तो चार्जेस जरूर मौजूद होंगे लेकिन नेट चार्ज जीरो होगा, और जीरो होने की वजह से अमीनो एसिड अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे. नेक्स्ट
Electrophoresis can be used to separate a mixture of amino acids and peptide. A mixture of tripeptide, ALA, SERGLY, alanine, serine, glycine, and its three constituent amino acids was subjected to electrophoresis in a buffer at pH 11. Draw the structure of serine at pH 11. अब आपको अगर सीरीन का मॉलिक्यूल देखना है तो आपको डेटा बुकलेट में मिल जाएगा या वो खुद बना के दे देते हैं सवाल में, ठीक है ना। तो सीरीन का जो आर ग्रुप होता है वो होता है CH2OH, इट्स अ पोलर अमाइनो एसिड। अब इन्होंने बोला पीएच 11, अब पीएच 11 का मतलब है एल्केलाइन पीएच, और एल्केलाइन पीएच में मैंने आपको बताया था कि एसिडिक ग्रुप जो होता है वो चार्ज होता है। तो जब आप सीरीन का मॉलिक्यूल बनाओगे एट पीएच 11, तो सी एच अपनी जगह, इसकी आर ग्रुप होगी CH2OH, वो अपनी जगह, NH2 अपनी जगह रहेगा, ये चार्ज कैरी नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि एल्केलाइन पीएच है इसलिए सी डबल ओएच ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस। सो दिस इज हाउ सीरीन वुड अपीयर एट अ पीएच ऑफ 11। सर जानिए मतलब वाइस वर्सा है फॉर एसिडिक बफर। देखो अगर बफर सॉल्यूशन एल्केलाइन है तो एसिडिक ग्रुप उस एल्केली से रिएक्ट करेगा, अगर बफर सॉल्यूशन एसिडिक है तो जो बेसिक ग्रुप है यानी NH2 ग्रुप है वो उस एसिड से रिएक्ट करेगा। तो NH2 एसिडिक बफर के H पॉजिटिव के साथ डेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, NH3 पॉजिटिव आप शो करोगे इफ इट्स एन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ओके द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर सीन। ठीक है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गया। एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर सीन। ठीक है, अब इन्होंने पूछा यहाँ पे आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स लेबल F2I। अच्छा, कंपोनेंट F जो है वो दोनों टर्मिनल से लिंक्ड है, और दोनों टर्मिनल से लिंक का मतलब ये है कि आप जो है वो बेसिकली पावर सप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, तो F विल बी द पावर सप्लाई। ठीक है, जी जो है वो इसको सेल नहीं सकते। नहीं बेटा, पावर सप्लाई लिखोगे। सही है सर। जी जो है वो टर्मिनल है जिसकी तरफ अमाइनो एसिड अट्रैक्ट हो रहा है। अब क्योंकि पीएच 11 है तो सी डबल ओ एच ग्रुप जो है सी डबल ओ माइनस होगा, तो अमाइनो एसिड नेगेटिवली चार्ज होंगे, तो नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। तो जी जो आपका हो गया पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, इसी तरीके से H जो है वो हो गया नेगेटिव टर्मिनल। और I जो है, I इज द मटेरियल ओवर विच द सेपरेशन इज टेकिंग प्लेस, तो I आपका हो गया जेल। ठीक है ना, द जेल ओवर विच द अमाइनो एसिड्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय पासिंग करंट थ्रू इट। ठीक है, तो ये आपका पार्ट टू हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज suggest the identities of species responsible for spots P and S. अच्छा, इन्होंने बोला था सवाल में कि आपके पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो तीन हैं, एलेनिन, सीरीन और ग्लाइसिन, ठीक है ना, और ट्राइपेप्टाइड है, तो इन तीनों का मास टू चार्ज रेशियो निकालना है। अब एलेनिन, सीरीन और ग्लाइसिन तीनों के आर ग्रुप जो हैं उनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब तीनों का नेट चार्ज -1 होगा, तो इनका मास टू चार्ज रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो 1 रहेगा, तो बेसिकली इनका सेपरेशन बेस्ड ऑन मासेज होगा। अब आपको पता है अमाइनो एसिड के अंदर जो है बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम होता है, सिर्फ आर ग्रुप का डिफरेंस है, तो जो तीन आर ग्रुप्स हमारे पास हैं, एलेनिन की आर ग्रुप होती है CH3, ग्लाइसिन की आर ग्रुप होती है हाइड्रोजन, और सीरीन की आर ग्रुप होती है CH2OH। तो आउट ऑफ दिस पी वो होगा जिसका MR सबसे कम है, और सबसे कम MR हो गया ग्लाइसिन का, ठीक है ना, तो स्पॉट पी बेस्ड ऑन द लीस्ट MR प्रेजेंट इज ग्लाइसिन। ठीक है, और S जो है वो सबसे कम ट्रेवल किया यानी उसका मैक्सिमम MR होगा, तो S आपका हो गया ट्राइपेप्टाइड, क्योंकि ट्राइपेप्टाइड भी मौजूद है अलोंग विद द थ्री अमाइनो एसिड। ठीक है ना, तो लीस्ट मास टू चार्ज रेशियो जो है वो ग्लाइसिन का हुआ, और मैक्सिमम मास टू चार्ज रेशियो जो है वो आपका ट्राइपेप्टाइड का हो गया, तो ट्राइपेप्टाइड स्लोएस्ट मूव करेगा, ग्लाइसिन फास्टेस्ट मूव करेगा। अच्छा, अगर चेक करना है क्यू और आर क्या है, ये भी हम निकाल सकते हैं। सर आई के ज्यादा ऊपर सेकंड पार्ट में जेल था, आई वाज द जेल जेल था ना सर।
डेल्टा बिल्कुल। अच्छा मैं बोल रहा था क्यू और आर में अगर क्वेश्चन करना है तो क्यू और आर में हमें यह देखना होगा कि किसका एम आर जो है वो ज्यादा है, किसका एम आर कम है। एलिनीन जो है सी एच थ्री कार्बन 12 होता है और 3 हाइड्रोजन, इसका हो गया 15, ठीक है। और सी एच टू ओ एच में कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, 28 और 2 एंड 1 तो 31, तो 31 जो है ये एम आर ज्यादा है और 15 एम आर जो है वो कम है। तो क्यू और आर में से क्यू जो होगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका एलेनिन, और आर जो होगा आपका वो हो जाएगा सीरीन। इधर पूछा नहीं गया है लेकिन अगर पूछा जाता तो बेस्ड ऑन द एम आर ऑफ देयर आर ग्रुप आप इसको निकाल लेते, और आर ग्रुप जो है इनके अमीनो एसिड्स के आपकी डेटा बुकलेट में मौजूद हैं, ठीक है ना, वहां से आपको आर ग्रुप मिल जाएंगे, याद रखने की जरूरत नहीं है। और अगर डेटा बुकलेट नहीं आपको मिलती है, ठीक है ना, जैसे आगे फ्यूचर में डेटा बुकलेट, मतलब आपका मतलब ये है कि जिसका मास सबसे कम है वो सबसे ज्यादा मूव करेगा, जिसका मास तो वो पी होगा, बिल्कुल, फिर क्यू वो होगा जिसका मास थोड़ा कम होगा, मतलब मास कंपेयर करते करते हम पीछे आएंगे, बिल्कुल। लेकिन ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि चार्जेस सेम है, सबके चार्जेस जो है 1 है, इस वजह से मास को कंपेयर करेंगे, वरना मास अपॉन चार्ज से कंपेयर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे सबके चार्जेस 1 होंगे, ठीक है ना। अच्छा मैं कह रहा था कि फ्यूचर में डेटा बुकलेट अवेलेबल नहीं होगी बच्चों को, जो सिलेबस में चेंजेस आ रहे हैं, एक चेंज आ रहा है डेटा बुकलेट, तो उसमें ये जो भी अमीनो एसिड है वो आपको सवाल में ही बना के दे देंगे, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप से रट्टे मारने की जरूरत नहीं है किसी को भी, राइट। सर एक मिनट दोबारा बताइए कि पहले सवाल में आपको कैसे पता चला कि जी जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। कैसे पता? क्योंकि पीएच ऑफ द बफर वाज 11, 11 पीएच एल्केलाइन होता है, ठीक है। एल्केलाइन पीएच में सी डबल एच ग्रुप जो है वो सी डबल ओ माइनस में कन्वर्ट होता है, और माइनस चार्ज जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। रीकैप, एफ जो है पावर सप्लाई है, जी पॉजिटिव टर्मिनल है, एच जो है नेगेटिव टर्मिनल है, आई जेल है, ठीक है। पी जो है वो आपका ग्लाइसिन है, क्यू आपका एलेनिन है, आर आपका सीरीन है, और एस आपका ट्राइपेप्टाइड है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई विच स्पॉट करस्पॉन्ड्स टू विच अमीनो एसिड बाय मेजरिंग देयर या कैलकुलेटिंग देयर मास टू चार्ज रेशियो। यहाँ पे हमने सिर्फ मासेस कंसिडर किए क्योंकि चार्ज सारे अमीनो एसिड का 1 था, तो डिनोमिनेटर जब 1 होता है तो न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो कंसिडर की जाती है।